कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, कार्तिक का महीना जो है वो बेहद खास होता है, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो निद्रा से उठते हैं और ये महीना जो है वो त्योहारों का महीना है। तो आपने क्या करना है इस महीने में, आपने जो है आपने स्नान करना है, किसी तीर्थ यात्रा में जाइए और जो है वहाँ पर पवित्र नदी से स्नान कीजिए और साथ ही साथ में तुलसी के पौधे पर शाम के समय आपने दीप दान जरूर करना है, दीप जलाना है। और आपने क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें एक शमी का पत्र और साथ में बेलपत्र डालना है और शिवलिंग पर आपने जल जो है चढ़ाना है। ऐसा रोज आप करेंगे कार्तिक के महीने में, जब भी आपको टाइम मिले तब करेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली जो है वो आती रहेगी। और साथ ही साथ में आपने कमलगट्टे की माला या फिर आपने लेनी है स्वटी की माला और श्री मंत्र का जाप आपने करना है, जरूर करना है और देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से चमत्कार होता है। और साथ ही साथ में आपने क्या करना है, एक कपूर की टिक्की लेनी है, उसे किसी दिए में डालकर उस पर थोड़ी सी दो लौंग रखकर और आपने अपने पूरे घर में जलाकर उसे पूरे घर में घुमाइए। इससे भी आपके घर में पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। दो चीज़ें खास आपने करनी है, एक तो नदी, किसी पवित्र नदी में स्नान करना है और दीपदान जरूर करना है, क्योंकि ये जो महीना है बड़ा ही पावन महीना है और बहुत सी खुशियाँ आपके जीवन में आए। कार्तिक का महीना और दिवाली और आने वाले त्योहारों के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो है कार्तिक के महीने में गायों की सेवा करना मत भूलेगा। राधे राधे।